में मतलब मनोज दे के साथ में बनाते हैं, मनोज दे सर के साथ में, वो भी काफी ज्यादा। तो सो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं ज्योति श्री मातो के घर, और देख सकते हैं वही है उनका घर। ठीक है अभी आप लोग मिलाते, पहले तो उनका घर दिखाते, देख सकते हैं ये उनका घर काफी अच्छा है उनका घर। ठीक है ना, तो अभी हम लोग यहाँ पे बेल आइकन तो दबा दिए हैं। ठीक है अभी मिलाते हैं, उधर भाई लोग सब खड़े हैं। ठीक है अभी आप लोग चलते हैं अंदर, एंड अंदर से आप लोगों को मिलाएंगे ज्योति दीदी से। ठीक है आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहो। तो सो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं ज्योति दीदी के पास। दरअसल एक बार और आए थे, बट उस वीडियो क्या हुआ ना कि डिलीट हो गया था गलती से, तो इस बार हम लोग आए हैं और काफी लेट से भी ब्लॉग आता है, और जितना भी ब्लॉग आता है हम सब देखते हैं और सब में कमेंट भी करते हैं। ठीक है ना, और काफी अच्छा अच्छा ब्लॉग देखने को मिलता है, मतलब फैमिली रिलेटेड ब्लॉग देखने को मिलता है और काफी मजा आता है। ठीक है अब बहुत ज्यादा लोगों का कमेंट भी आता है कि आप डेली व्लॉग क्यों नहीं करते, क्योंकि हम डेली घिसा पिटा चीज एक ही चीज नहीं दिखाना चाहते। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। हमको खुद भी एडिट करने में मजा नहीं आता, अगर हमको ही मजा नहीं आ रहा तो आप देख के फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो वैसा मैं नहीं करना चाहती। सही पकड़े हैं, इसीलिए गैप में ही आता है, बट अच्छे व्लॉग्स मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के लिए लाऊं। और अच्छा लगा कि सबको ही ऐसे हम लोगों को देख के व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, व्लॉग कर रहे हैं, यहाँ वहाँ जा रहे हैं, हम तो जा नहीं पाते, हम तो जो बनाते हैं घर ही पे बनाते हैं या फिर कहीं जाते हैं, अपना ही लाइफ स्टाइल दिखाते हैं। लेकिन घर में भी ज्योति दी वीडियो बनाते हैं काफी अच्छा, मतलब जो भी लाइफ स्टाइल बनाते हैं हमको देखने में काफी ज्यादा पसंद आता है, और आप जो भी साथ में मतलब मनोज दे के साथ में बनाते हैं, मनोज दे सर के साथ में, वो भी काफी ज्यादा मतलब कॉमेडी टाइप का थोड़ा अच्छा लगता है, मनोज भैया के साथ बनाते हैं लगता है मनोज भैया के साथ आप बनाते हैं। अभी हाल ही में उनका बर्थडे हुआ था, तो वो भी वीडियो मैंने देखा, काफी ज्यादा कॉमेडी और काफी ज्यादा मजा आया था उस वाले वीडियो में। अभी आप मनोज देखा मतलब जो बर्थडे हुआ था उसमें ब्लॉग आप नहीं बनाए थे क्या? नहीं हम नहीं बनाए थे, देखिए हर चीज का ब्लॉग हम लोगों का भी कुछ अपना पर्सनल लाइफ होता है, और हम चाहते थे कि वो ब्लॉग बनाए क्योंकि वो उसके लिए उसका बर्थडे था, वो स्पेशल उसके लिए दिन था, तो वो ब्लॉग बनाए। उसके ब्लॉग में आप लोगों ने देखा हम लोगों ने बहुत ज्यादा मस्ती किया, एंजॉय किया, तो मैं नहीं चाहती थी कि वो जो स्पेशल डे उसका है उस पे हम ब्लॉग बनाए, उसका दिन है तो वही ब्लॉग बनाए। मनोज दे और ज्योति दी काफी अच्छे फ्रेंड है ना, ये सब बेस्ट फ्रेंड है, और आमने सामने दोनों का घर है और काफी अच्छा मतलब दोनों में फ्रेंडशिप भी है, मनोज दे और मतलब ज्योति दीदी में। ठीक है तो गाइस आई होप आप लोग, बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट किया तो ज्योति दी के साथ आप एक मीटअप वीडियो बनाओ, तो इस फाइनली हम लोग आए थे ज्योति दीदी से मिलने, और गाइस आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया हो। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो। ठीक है ना, तो ठीक है ज्योति दी, तो अच्छा लगा भाई से मिलके। अगर आप लोग इनके चैनल पर नए हैं तो सपोर्ट कीजिए भाई को, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, मोटिवेट कीजिए, और इसी तरह एक दूसरे का साथ दीजिए और आगे बढ़िए। बेस्ट ऑफ लक। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। तो ठीक है गाइस इतना बोल दिए यार, खुश हो गए, मतलब अंदर से दिल से बहुत ही ज्यादा खुश हुए कि इतना अच्छा अच्छा मतलब सजेशन दिए। ठीक है पहले तो यार ब्लॉग बनाने का मतलब है ना क्या, पहले शुरू में तो जो भी देखता है सब बोलता है यार पागल है, डिमोटिवेट शुरू में सबको करता है, लेकिन कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? ठीक है बनाना मतलब पता नहीं क्या ही समझते हैं, बट ये वीडियो आपके सामने ही रहता है, आपके फैमिली के सामने रहता है, प्लस पूरे और सबके सामने रहता है, तो आप इसमें क्या ही गलत कर रहे हो मुझे नहीं समझ में आता, बट हाँ धीरे धीरे मेंटेलिटी चेंज हो ही जाएगा आप लोग चेंज। ठीक है गाइस जब कुछ तरक्की होगा उसके बाद वो आदमी मतलब अपने आप पे मतलब अति होता है। हाँ बस अगर आप सही काम कर रहे हैं, आपको इंटरेस्ट है, तो आप अपने काम पे फोकस कीजिए, लोगों के बातों पे नहीं, बस इतना ही मिलेंगे। मिल के बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा गाइस, दीदी ने हमको एकदम अंदर से मोटिवेट किया है, और अब बहुत ही अच्छा अच्छा ब्लॉग मतलब हमेशा ब्लॉग मिलता रहेगा। ठीक है ना सही पकड़े हैं ऐसे तो मैं ब्लॉग को अपलोड करता रहता हूँ, लेकिन आप लोग थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिखाओ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। ठीक है 10K हमारा कम्प्लीट होने ही वाला है, तो जल्दी से तो अभी हुआ नहीं, अभी 150 बाकी है, और दीदी का कॉन्ग्रेचुलेशन हमको मिल भी चुका है फाइनली। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं फाइनली। तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा गाइस, तो ठीक है आज की बस इस ब्लॉग में इतना ही,
और यही रहा ज्योति दी का घर, काफी अच्छा ज्योति दी का घर, मतलब इस टाउन में है ना ज्योति दी का घर एक नंबर है, देखूं तो अच्छे से मतलब बहुत ही अच्छा घर है ज्योति दीदी का, मैंने देखा यार अंदर का भी सीन अच्छा। और यहाँ पे इनका नाम क्या था, मैं नाम भूल गया, हाँ इसका कोको नाम है गाइस, आप लोगों को मैंने बताया, और काफी मस्त है ये कोको, देखिए गाइस। और इसका दो बच्चा भी है यहाँ पे, देखिए ये दोनों काफी सुंदर है, ठीक है देख सकते गाइस ये सब। और यहाँ पे देख सकते ज्योति दी का कार भी लगा हुआ है, ठीक है गाइस। फाइनली हम लोग मिल चुके हैं और भाई लोग वहाँ पे शूट कर रहे हैं, और ये कोको मेरे ही पास आ रहा है देख सकते हैं, जैसे कि आप काफी मस्त है यार कोको ये। और पहचान बनाना चाहते हैं और आप शायद एक कुछ हीरा या कुछ खरीदे हैं, वो वीडियो भी देखे और उसका प्राइस आप सुन के सौ आप लोगों को बता देते, वो एक स्पॉन्सर वीडियो था।